अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील के केवटिया गांव में इन दिन जमकर कच्ची शराब बनाई जा रही और धड़ल्ले से बेची जा रही है। ईटीवी की टीम ने जब यहां की जांच पड़ताल की तो कई ऐसी बातें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। हमारी टीम जब उस गांव पहुंची तो वहां पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला से हमने बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव में उसका कारोबार चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उसने किसी के घर का पता बता दिया तो उनको दारू का कारोबार करने वाले माफिया जान से मार देंगे। नहीं भैया जी, अगर अरे हमारे भैया हम मान नहीं छोड़ी है, लेके दे हमारे गांव खुदे मुड़ महला भैल में मार झगड़ा करतुआ कोई में अपन गलत है देई ना अगर मंगले में हमने के नया जान की ना दी ना आई दी है बतरे तो कैसे होई मिली या तो वो खलीफा मरी है पिया वाला जो है मनोरपुर के ओके दे दी तो ले आई नया वाला नाम जाने खलीफा मरी है के कहां का है सिपाह का खलीफा नटा अब दाए ना आया दी ले जाई का तो से वो मत अब वो आई तो पाई गई कोन में अच्छा ये बतावा कि जैसे जेकर बनत हो वह दे दे जैसे अमाउंट ये लड़कावा बहुत जरूरी है यही के एक बड़ी डॉक्टर जानत बाटी भैया के करी बनत पाया लेकिन बनत ही है बना अलाव के बनत हुई अब। हमारी जांच आगे बढ़ी तो गांव का एक और शख्स हमारे कैमरे में कैद हुआ। उस शख्स ने बताया कि 50 रुपए पौवा के हिसाब से कच्ची दारू कभी भी कहीं भी ली जा सकती है, लेकिन हम चूंकि अपनी टीम के साथ गाड़ी से गए थे इसलिए वो कारोबारी हम लोगों से डायरेक्ट बात न करके तुरंत वहां से भागने लगे। ग्रामीण ने बताया कि ये कारोबार शाम के समय खूब चल रहा और गांव के अंदर 50 रुपए पौवे के हिसाब से कच्ची दारू आराम से मिल जाएगी। ले बाप 20 रुपए के लिए और भाई तन की अच्छी वाली नंबर एक ली है और 50 रुपया पौवा हम बात की है ही सुन ले है ले 100 रुपया एक आधा हमारे लिए आए और 20 रुपया अपने पी ले दौड़त आई आप अच्छा आपको ठीक ठीक दे देगा। वही पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर ने ईटीवी की पड़ताल पर कहा कि इन गांवों की जांच कराकर और लोगों को चिन्हित कर जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह कुटीर उद्योग के रूप में अपना काम कर रही है और अभी मैंने इस बारे में पिछले 10 दिन पहले जो है एक काफ़ी प्रभावी कार्रवाई जो है आबकारी विभाग के सहयोग से कराई थी। इन थाना क्षेत्रों में भी कच्ची शराब के जो उत्पादनकर्ता हैं उनको चिन्हित करके और उनका उत्पादन बंद कराया जाएगा, साथ ही उनके विरुद्ध जो है वह गंभीरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। आलापुर तहसील के इन थानों की पड़ताल में हमने ये पाया कि थाना राजा सुल्तानपुर और थाना आलापुर में कच्ची दारू की भट्टियाँ खूब धधक के चल रही हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं और पुलिस प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस तरीके की जो वहाँ पर कारोबार जो चल रहा है उस पर जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई करके इस तरीके के कारोबार को जल्द ही खत्म किया जाएगा। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।